Hello viewers, welcome back to our channel. This is Sanjeev from Port Love, and in this video we are going to continue the series of string. And you can see that last video we have done with the indexing and slicing. After that another topic will come, that is string functions. String function, ek minute, school form mein jao. Okay, so string functions ke baare mein baat karenge hum log. बेसिकली वैसे बहुत सारे फंक्शंस होते हैं स्ट्रिंग के अंदर, लेकिन हम इसके अंदर कुछ ऐसे फंक्शंस के बारे में बात करेंगे जिसकी ज्यादा इंपॉर्टेंस है. जैसे सबसे पहला जो होता है लेंथ, LEN, ठीक है. दूसरा होता है हमारे पास स्प्लिट, हम काफी ज्यादा इसको यूज करते हैं. स्प्लिट फंक्शन होता है, लेंथ फंक्शन होता है. तीसरा वैसे हम काफी सारे यूज करते आ रहे थे, लेकिन ये सारे थोड़े अलग से हैं. इसको हम अपर केस में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, लोअर केस में कन्वर्ट कर सकते हैं, इज अपर इज लोअर. अब चाहते हो एक फंक्शन, एक स्ट्रिंग लिखा हुआ है और उसके हर एक वर्ड कैपिटल लेटर में हो, तो उसके लिए भी होता है स्ट्रिंग, जैसे टाइटल कहते हैं उसको. ओके, ऐसे बहुत सारे फंक्शंस हैं, हम एक करके एक्सप्लोर करेंगे. सबसे पहले लेट्स गो, इसी के अंदर मैंने लिखा हुआ है, एक स्ट्रिंग बनाता हूँ एस, जिसका नाम है संजीव इज गुड, इज अ गुड बॉय, ठीक है. अब हम इसको प्रिंट करेंगे एक बार. जैसे मैंने प्रिंट किया है इसको, थोड़ा सा ज़ूम कर लेता हूं मैं, आपको दिख रहा है अच्छा से, ठीक है. अब रन करते हैं इसको, यू कैन सी दैट संजीव इज अ गुड बॉय, एक सिंपल सा स्ट्रिंग प्रिंट हो गया. अगर आपको अब जानना है कि इसके कितने नंबर्स है, तो हम सबसे पहला जो स्ट्रिंग यूज करते हैं वो है लेंथ, ठीक है. तो इसको हम प्रिंट करेंगे एस डॉट लेंथ, LEN लेंथ, ये एक फंक्शन है, इसको हम रन करेंगे. यू कैन सी दैट कि एक आर्ग्यूमेंट मांग रहा है, राइट. तो इसके बाद s dot length की जगह ऐसे, this is a proper way of printing that one. So you can see that कि इसने बता दिया 21, तो ऊपर वाले जो s है उसके अंदर वो proper तरीके से बता रहा है कि इसके अंदर 21 letters है. ये point आपको नोट करना है कि वो space को भी count कर रहा है, ठीक है. तो ये है हमारा length of the string को नापने के लिए, ठीक है. Next हमारे पास इसको split करना है. स्ट्रिंग है उसको आपको स्प्लिट करना है, तो स्प्लिट के लिए हम एक फंक्शन यूज करते हैं, स्प्लिट फंक्शन, ठीक है. तो आपको प्रिंट करना है, आपको एस डॉट एस पी एल आई टी, स्प्लिट. स्प्लिट एक फंक्शन है, उसको हम स्प्लिट करने जा रहे हैं, लेकिन हमें पूछेगा किससे स्प्लिट करना. अगर मैं कुछ ना तो स्पेस के साथ कर देगा वो, ठीक है. एक बार करके देखते हैं, तो देखो संजीव इसने स्पेस के साथ सबको स्प्लिट कर दिया. अब मैं चाहता हूँ कि वो स्प्लिट करे हैश टैग के साथ. ये हैशटैग लगाया मैंने, इसको बैक कर दिया, फिर से मैंने एक और हैशटैग लगाया, बैक कर दिया हैशटैग, इसको बैक करो और इसको भी बैक करो और बैक, ठीक है. तो जहां जहां हैशटैग है वो मैं चाहता हूँ वहां से स्प्लिट हो जाए मेरा स्ट्रिंग. तो इसके लिए मुझे बस एक बार यहाँ पे जाना है, इसको मैं ऐसे कर सकता हूँ कमेंट आउट, और फिर लिखूंगा मैं प्रिंट एस डॉट स्प्लिट, और फिर इसके अंदर मैं डाल दूंगा हैशटैग, तो हैशटैग से स्प्लिट हो जाएगा. लेट्स सी द सॉल्यूशन ऑफ दिस कोड आल्सो, यू कैन सी दैट किसने हैशटैग से स्प्लिट कर दिया. दिस इज सिंपल एंड इजी वन, ये हमारा अभी तक के तीन थे. अभी ये मैंने स्प्लिट वाला बता दिया, लेंथ वाला बता दिया. नाउ लेट्स अपर, अपर वाले पे ट्राई करते हैं. पहले ऊपर की सारी चीजें मैं हटा देता हूँ, यहाँ से ये हटा देता हूँ, वाइट स्पेस देता हूँ, ये भी हटा देता हूँ, स्पेस भी हटा के स्पेस दे देता हूँ, ठीक है. तो हमने स्प्लिट वाला काम कर लिया. अब अगला टास्क है हमारा, हमें अपर में कन्वर्ट करना, राइट. तो इसके लिए बस डॉट अपर लगाना होगा. आप यहाँ पे एक और तरीके से कर सकते हो, एस डॉट के बाद आपको स्पेस बार देना है. तो यहाँ पे आपको बहुत सारे सजेशन मिलेंगे, ये सारे इस डिजिट इस डेसिमल, ठीक है, ये सारे फंक्शंस के नाम ही है, ठीक है. अभी हम क्या करने वाले, अपर, यूपीआर अपर. इसके बाद इस फंक्शन के बाद जितना भी मेरा कैपिटल लेटर में है वो सबको स्मॉल लेटर में कन्वर्ट कर देगा, और स्मॉल में कैपिटल में कन्वर्ट कर देगा. देखो यू कैन सी दैट मेरा केस, एक और बार हम इसको रन करते हैं. मैंने रन किया, देखो सारे चीज कैपिटल में आ गया, डन. दिस इज सिंपल एंड इजी वन. एक और हम कर सकते हैं प्रिंट एस डॉट, आपको हर एक वर्ड का पहला लेटर चाहिए, राइट. जैसे इसके अंदर देखो मैंने लिखा हुआ है संजीव, एक मिनट बस, संजीव इज अ गुड बॉय, संजीव इज अ गुड बॉय, मैंने लिखा हुआ है. तो इसका जो पहला लेटर है सब वर्ड्स का, मैं चाहता हूँ वो कैपिटल हो जाए.
तो उसके लिए हम यूज करते हैं टाइटल, जो हमारा ये वाला फंक्शन है टाइटल, ठीक है। तो इसको हम करेंगे एस डॉट टी आई टी एल ई टाइटल, और ये बना के मैंने किया, तो यू कैन सी दैट सिंपल एंड इजी वन। कभी बार हमें इसकी जरूरत पड़ती है तो हम इसको यूज करते हैं, राइट। इसके बाद हमारे पास एक और फंक्शन है जिसको बोलते हैं फाइंड फंक्शन। अब हम इसको कैसे करेंगे, सबसे पहले आपको प्रिंट करना है, अगर है तो ट्रू फॉल्स में ही देगा आंसर। एस डॉट वो इंडेक्स देता है वैसे तो, एस डॉट अब आपको फाइंड करना है। अब फाइंड क्या करना है, मेरे को इज फाइंड करना है। अगर वो इज स्ट्रिंग है इसके अंदर अवेलेबल तो वो रिजल्ट दे देगा। लेट्स रन, देखो ये बता रहा है आठवें नंबर पर आपका स्ट्रिंग अवेलेबल है इस वाला। गिन के देखते हैं, जीरो फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स सेवन, ये स्पेस को आएगा एट नंबर पे हमारा ही आ चुका इस। तो दिस इज सिंपल एंड इजी वन। अगर आप चाहते हो मेरे इसके अंदर संजीव इज अ गुड बॉय और इसके बाद मैं लिखता हूँ इज अ स्मार्ट, मैंने ये भी चीज ऐड कर दिया, लेकिन मैं चाहता हूँ कि इतने के बाद ढूंढे, तो मैं क्या करूंगा, इतने को काउंट करूंगा, जीरो फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स सेवन एट, यहाँ तक तो था ही, तो मैं नाइन से स्टार्ट करूंगा। तो ये हम कैसे कर सकते हैं, ऊपर वाले की जरूरत अभी नहीं है, हम कर सकते हैं ऐसे प्रिंट एस डॉट फाइंड, एस डॉट फाइंड क्या, मैंने आपको फाइंड करना है, अब आपको क्या फाइंड करना है, इस फाइंड करना है, ये से एक स्ट्रिंग है तो स्ट्रिंग में लिखेंगे कॉमा। अब इसके बाद आपको देना है कहां से कहां तक, तो आठवें के बाद से, नाइन्थ के बाद से, इतने पे भी रन करेंगे तो हो जाएगा वैसे तो। और लेट्स रन दिस कोड, तो देखो इसने बताया 22 नंबर पर सीधा आपको स्ट्रिंग मिलेगा। अब नाइन के बाद ढूंढना है और एक कॉमा और दे दो, और 22 से पहले होना चाहिए, तो नहीं है ऐसा वर्ड तो माइनस वन प्रिंट होना चाहिए, तो यू कैन सी दैट माइनस वन प्रिंट हो रहा है। तो इस तरीके से हम फाइंड फंक्शन को यूज करते हैं। और इसके बाद बहुत सारे क्या, देखो सारे जो है वो सिर्फ डिजिट है, सिर्फ और सिर्फ अल्फाबेट है। तो एक और फंक्शन है हमारे पास प्रिंट, प्रिंट एस डॉट इज अल्फा, इज अल्फा देखो इज अल्फा, तो ये सारे अगर वो सारे अल्फाबेट है तो प्रिंट कर देगा यस, अदरवाइज रन करते हैं इसको, देखो फॉल्स आया क्योंकि इसमें सारे अल्फाबेट नहीं है, कुछ स्पेस भी है, दैट्स व्हाई। हम इसको एक और बार ट्राई करेंगे एस टू के नाम से, मैं एक और वेरिएबल बनाया जिसके अंदर सिर्फ लिखा मैंने संजीव, तो वो अब यहाँ पर अगर मैं एस टू को प्रिंट करूँ, इसको एक बार क्लीन कर लेते हैं यहाँ से, मैं प्रिंट कर रहा हूँ यहाँ पे एस टू को, पी आर आई टी प्रिंट एस टू डॉट इज अल्फा, इज अल्फा को मैंने क्लिक किया, इज ए एल पी एच ए इज अल्फा, अब मैंने फिर रन किया, तो देखो अब इसने ट्रू दिया क्योंकि इसके अंदर सारा चीज अल्फाबेट है। एक होता है न्यूमरिक वाला, तो एस थ्री भी ले लेते हैं, एस थ्री करके एक फंक्शन होता है जिसके अंदर हम सिर्फ नंबर डालने वाले हैं, टू 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 थ्री थ्री थ्री, ये सिर्फ नंबरिक वाला है, ठीक है। तो हम इसको प्रिंट करेंगे, प्रिंट एस थ्री डॉट इज न्यूमरिक इज डिजिट, इज न्यूमरिक भी होता है, इज डिजिट भी होता है, इज डिजिट, ठीक है, एक फंक्शन है तो वो ट्रू देगा। ऐसे बहुत सारे फंक्शन है, अभी हमने यहाँ पे अपर लोअर वाला कर लिया है सारे, ठीक है। और काफी सारे होते हैं, कैपिटल में करना, रिप्लेस करना किसी को, और जैसे एक रिप्लेस वाला भी कर लेते हैं। मेरे पास यहाँ पे संजीव इज अ गुड बॉय लिखा, गुड को रिप्लेस करना चाहता हूँ मैं, ठीक है। तो क्या करूंगा मैं, एस जो मेरा वैल्यू है इसको ही एस डॉट रिप्लेस लिखूंगा और इसके अंदर एक आर्ग्यूमेंट डाल दूंगा क्या गुड, ये हमारा गुड को रिप्लेस कर देगा, गुड ढूंढेगा पहले फिर कॉमा लगाएगा, और रिप्लेस करना है हमें बैड से। तो आप इसको रन करके देखते हैं, आप प्रिंट करेंगे फिर वापस को एस के साथ, एस के साथ मैंने प्रिंट किया, लेट्स रन दिस कोड। तो इसमें देखो जहां जहां गुड था वहां वहां उसने बैड कर दिया, सिंपल एंड इजी वन। एंड और भी सारे स्ट्रिंग फंक्शंस होते हैं, आपको बस कुछ नहीं करना है, यहाँ पे एस डॉट फिर इसका लगाने के बाद सारे आपको मिल जाएंगे, सेंटर केस फोल्डर स्विच एक्सपैंड फॉर्मेट और भी बहुत सारे होते हैं, यू कैन सी दैट सारे के सारे आपको यहाँ पर अवेलेबल है, आप सारे ट्राई कर सकते हो। लेकिन इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन कीप लर्निंग कीप एक्सप्लोरिंग, दिस इज संजीव साइनिंग ऑफ।